भगवान जाने ये मौसम इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। वैसे तो आमतौर पर लोग बदलते हैं, अरे उनकी सोच बदल जाती है, उनका तौर तरीका बदल जाता है, लेकिन ये मौसम को क्या हो जाता है भाई, बार बार बदल जाते हैं। Hey guys, Dimple है आपके साथ in All is Well on Radio Udaan, a Flight of Five। भाई हफ्ते में एक दिन एक घंटे और एक पल भी आपसे दूर ना रहने वाली लड़की, हफ्ते में बस एक ही दिन तो मिलती है आपसे। अब उस एक दिन के एक घंटे में भाई हमसे देखो चुप रहने की गलती नहीं हो पाएगी, तो बस हंसते रहो मुस्कुराते रहो। और हाँ एक बात बताओ, हफ्ते भर किया क्या आपने, कुछ स्पेशल किया है तो बिल्कुल 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 अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। जिंदगी में अगर क्यों नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं है। बस आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखो सारी टेंशन ना एक घंटे के लिए भूल जाया करो, एकदम खुले दिल से गाने वाने सुनो, बढ़िया एंजॉय एंजॉय करो, इधर उधर की बातें करेंगे हम लोग, चटियाएंगे बतियाएंगे, और क्या, और चाहिए भी क्या। और सबसे बड़ी तो चीज है टेंशन किस बात की है, हर बात पे टेंशन लेना जरूरी है आपके लिए, नहीं ना। एक काम करते हैं, सीधी सी चीज है, अभी अभी आई हूँ ना तो बस थोड़ा लाइट मूड रखते हैं, थोड़े लाइट तरीके से बातें करते हैं, और हाँ कुछ पूछूंगी बढ़िया आंसर दीजिए, और हाँ मजे लीजिए बस गानों के। डिंपल है आपके साथ, शो चल रहा है ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड, कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ना थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चिपक के रहो, ठीक है ना। Yeah.
बंजारा रे परिंदा, छड़ गया दिल का रे घरों दा, छड़ गया दिल का रे घरों दा, तोड़ के रे घरों दा, तोड़ के गया छोड़ के, जनैना करू बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, जनैना करू बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, तड़ पाए रे तू सुनाए गीत मल्हार दे, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, मल्हार दे, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा, वे मलंग तेरा एक तारा एक तारा। रास्ते में आते आते अभी ना कुछ हुआ ऐसा, चलिए मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूंगी, अपनी दुनिया है यार, इतना ज्यादा क्या टेंशन लेना। तो रास्ते में आ रहे थे, अचानक मैंने ये देखा कि भाई कोई मुझे अपने मिरर में देख रहा था। हमसे ना बर्दाश्त हुआ, जाके हमने कहा भाई साहब और कितना घूरोगे, कहो तो चेहरे से मास्क हटा दे। मैंने अपने फेस को टोटली कवर करके रखा था, प्रदूषण इतना है यार, इतना ज्यादा है कि क्या बताया जाए। कोई भी शहर हो, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, सीधी सी बात है अगर आप पोल्यूशन फैलाओगे तो पोल्यूशन होगा। हर शख्स एक ही बात कहता है, भाई बहुत गंदगी है, भाई ये हो रहा है, भाई देश में ये हो रहा है, अब तो कुछ ना हो सकता, आप पहले देख लोगे क्या कर रहे हो, फिर दूसरे को बोलना। दूसरों को नसीहतें देना बहुत आसान बात होती है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि आप पहले खुद के कामों को सही करिए, फिर तो किसी को और कहिए। अब किसी और को कहने की जरूरत ही क्या है, अगर आप खुद अच्छा काम कर रहे हैं तो चार लोगों के साथ में मिलकर अच्छा काम करिए। तो भैया इन्हीं सबके चलते हम अपना मुंह कवर करके चल रहे थे, हमने सोचा अपना मुखार बिंदु क्या दिखाए। इतने में भाई एक भाई साहब जो है हमें देखे जा रहे थे, देखे ही जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछ ही लिया क्या बात है, क्यों देख रहे हैं आप। उन्होंने कहा
क्यों, आपको देखने के लिए टैक्स लगता है? मैंने कहा नहीं भाई साहब, पुलिस में जो ना जमानत लगानी पड़ती है अगर हमें आप ऐसे घूर घूर के देंगे। तो सीधी सी बात है, अगर एक लड़की को कोई घूर भी रहा है ना, तो ये एक क्राइम होता है। देखो, आराम से देखो, जिसे देखना है उसे देखो, लेकिन गलत तरीके से और गलत नजर से देखना गलत बात है। तो अभी हाल ही में जो नियम पारित किए गए थे उसमें एक ये भी बात थी कि एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ में अगर उसके ऑफिस में कोई भी मिसबिहेव किया जाता है या फिर उसकी बात नहीं सुनी जाती है, तो ये भी क्राइम के तहत आता है, ये भी एक इलीगल बात मानी जाती है। रास्ते में चलने वाले लोग गलत हरकतें करते हैं, कभी कभी तो कुछ लोग भाई ऐसे ही टच करके निकल जाते हैं और कहते हैं सॉरी सॉरी, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था ये भी जानना जरूरी है। तो मैं बस इतना कह रही हूं कि कोई भी ज्यादा सोचने की या ऐसे विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, लॉ है, आ चुका है, और वैसे भी लड़का हो चाहे लड़की, किसी भी चीज से दिक्कत हो अपने लिए आवाज आपको ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो भाई साहब आपके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाने वाला, ठीक है ना? तो बस अब हमने ज्ञान अपना दे लिया है, अब आपकी बारी है, बस गाने सुनते रहो जी, गाने सुनते रहो एकदम बिंदास। प्यार दिखा दे वैरी मच करके, प्लीज एक बारी
मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना 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 मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना 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 रुकते जा मेरे गल तक सुन ले अब ना करूंगी ना ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मन कैंडी ना 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 रुकते जा मेरे गल तक सुन ले ओ मन कैंडी ना 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 ये पहली बार मिले
बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए, मेरी इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न पार निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बकावत, सुल्फे है जालिम और आंखें है आफत, लगता है होने वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, अगर ना इंसाफी, गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी। जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको, मन में सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम खुली खुली सनम गोरी गोरी बाहें करती आई, अभी तुमने जो गले लगाया तो खो ही गया। सफाई हो तो ऐसी हो कि भाई दिल और दिमाग में वो बात छा जाए, और घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, सफाई अगर आप करने के मूड में है भाई साहब, तो ऐसा 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 कुछ करिए कि आप ना दुनिया की नजरों में भी आ जाए और आपकी अच्छाई सबसे पहले और सबसे ऊपर चमक के लोगों की नजरों को एकदम चकाचौंध कर दे। डिंपल है आपके साथ इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और मैं कहना बस इतना चाह रही थी कि भाई साहब अच्छाई ना कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। एक जगह है, मैं जगह का नाम नहीं लूंगी क्योंकि भाई देखो अच्छी बात हो बुरी बात हो किसी का नाम बीच में क्या लाना। वैसे भी किसी महान पुरुष ने मुझसे कहा था कि डिंपल किसी के नाम से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके काम मैटर करते हैं। तो हमने कहा कि भैया ठीक है, उसके इन काम ही हम उजागर कर देते हैं। तो एक जगह है, वहां पे ना सबसे बेस्ट बात कि वहां की एक महिला जो कि बहुत अमीर खानदान की नहीं थी, बहुत ही कॉमन फैमिली से बिलोंग करती थी, और उन्होंने अपने जेवरों को गिरवी रख कर अपने यहाँ शौचालय का निर्माण करवाया। सोचिए, जरा सोचिए, इसे कहते हैं सही सोच, सही दिमाग और एक ऊंचा जज्बा जो हर किसी के पास नहीं होता। भैया पैसा सबके पास होता है, लेकिन वो चाह, वो जो कहते हैं ना कि एक सही राह, वो हर किसी के पास नहीं होता, सही नजरिया हर किसी के पास नहीं होता। तो उनके लिए तो मैं पर्सनली बिल्कुल क्लैपिंग व्लैपिंग करके एकदम दिल से मैं कहना चाहती हूँ कि मैम आप ना बेस्ट हो। उन्होंने सफाई का एक सही उदाहरण पेश किया है कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत भी हो, आपका सम्मान भी हो, समाज में आप एक ऐसे शख्स के तौर पर जाने जाए जो हाँ समाज का एक सच्चा नागरिक बन सकता है, तो आप भी प्लीज ऐसा कुछ करिए। मैंने कहती आप अपने गहनों को गिरवी रखिए, लेकिन हाँ आप तो सक्षम है ना ऐसा करने में, और नहीं भी है तो ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिससे कि आप समाज के ही साथ साथ अपने परिवार के भी लिए एक उदाहरण बन जाएं। फिलहाल तो उनके जज्बे के लिए मैं उनको सलाम करती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ मैम तुसी तो छा गए और मेरे दिल विच आप रहंदे हो। और हाँ बस मूड अब ना इतना प्यारा हो गया कि ये दो गाने एकदम मैं आपको झागास तरीके से सुनाना चाहती हूँ। निम्बल के साथ हैं आप इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान, फाइटर फाइव, स्टे ट्यून्ड। चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मित्रा नु तंग नी, गोरी वीणी विच नी गोरी वीणी विच, गोरी वीणी विच काली वांग छणके नी मित्रा दी जान ते बने जदों निकले हाए नी जदों निकले, जदों निकले पटोला बन के मित्रां दी जान ते बने, जदों निकले पटोला बन के मित्रां दी जान ते बने। मैं
ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਜੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਰੱਖਦਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਛੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਲਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਸੀ ਨਾ ਖੋਲਾ ਲਹੂ ਡੋਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸੋੜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਤੇਰਾ ਸੁਝਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਪੱਟ ਲੈ ਜੁੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਂਦੇ ਬਨਖਨ ਆਈ ਬਣੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪ ਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਛੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਲਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਛੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਲਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਛੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਲਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਛੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਲਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ Wherever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is where. Oh, tenu suit suit karda. Oh, tenu suit suit karda. Suit karda. Tenu suit suit karda. Oh, ni tu lagdi panjaban, lagdi patola. Lagge ni tu saryan to vakh ni. Tenu suit suit karda. ਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਚੌਂਕ ਚਿੱਤ ਭਾਈ ਜਿਹੀ ਪਾਈਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਚਿੱਤ ਭਾਈ ਜਿਹੀ ਪਾਈਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਹੈ ਨੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਫਿਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ Whatever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is red. Ooh, your little black dress, it don't do it for me. You know how to impress, just give it to me. No jeans, no dresses, no tees, no. My queen, she's in a sari, yeah. Now keep it busy, like you're a deli. You gotta rep the team, shawty. I know the next one matters me. You should be checking, cause I wanna make you my rani. Rock with me. Black, yellow, red, gore, mukhde te jachda. Dekh dekh mundiyan da dil rinda nachda. Black,
ਗਿਆ ਰੈਡ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜੱਚਦਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨੱਚਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ वाह मतलब वाह, इसे कहते हैं ना मेरे साथ में रहने का फायदा। मतलब एक से एक गाने आप सुनते ही जाएंगे और एकदम खुश हो जाएंगे। डिंपल है आपके साथ इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान ऑफ एच एफ लाइव। क्या बात है, मतलब वाह, गाने सुन के मजा आ रहा है, चाय वाय पी के मजा आ रहा है। चाय में अदरक थी नहीं थी? ये लो, आपको नहीं पता भाई साहब अदरक वदरक खाने से क्या होता है। चलो अदरक के फायदे ना सही तो कोई ना, चाय के फायदे भी बहुत होते हैं। लेकिन चाय जो बहुत ज्यादा पीते हैं ना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उनको डायबिटीज हो सकती है। और उससे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि बैक टू बैक चाय पीने से एसिडिटी भी होती है। और मेरी प्यारी प्यारी सुन्नर सुन्नर और एकदम दुलारी बेबियों, आपको नहीं पता ज्यादा चाय पीने से, मीठी चाय पीने से, दूध वाली चाय पीने से और बार बार चाय पीने से वेट बढ़ता है। आप पी के दिखाओ चाय, है हिम्मत? मतलब जिगरा है आपके पास? कौन पीता है ज्यादा चाय? अरे दिन में एक बार सुबह हो गई, एक बार शाम को हो गई, बस मतलब बिल्कुल चेन बना लोगे, जैसे चेन स्मोकर्स होते हैं। और चेन स्मोकर्स को मैं क्या बताऊं भाई साहब, क्या बताऊं। मतलब आप तो चलो नहीं पीते हो, मैंने तो सोचा भी नहीं कभी पीने का। मतलब ऐसे एकदम देखती नहीं हूँ, देखने से मेरे अस्थमा हो जैसा फील होने लगता है, लेकिन मुझे है नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ जो चेन स्मोकर्स हैं उनके लिए भी, और जो चेन स्मोकर्स नहीं है बस लाइट स्मोकर्स हैं उनके लिए भी। बहुत सही, क्लैपिंग वाला काम कर रहे हैं आप, पैसे भी जला रहे हैं और सिगरेट भी जला रहे हैं और खुद को भी जला रहे हैं और समाज में अपनी एक अच्छी खासी जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत है आप, या फिर अपनी छवि को, उसे भी जला ही रहे हैं। क्योंकि स्मोकर्स को नॉर्मली कोई पसंद नहीं करता है, और चलो पसंद कर भी लेते हैं तो एक ऐसे इंसान को कैसे हम पसंद कर लें जो अपनी ही सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, सिगरेट पी पी के, ये वो पी पी के। देखो भाई, मैं आपकी अच्छी खासी दोस्त हूँ और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं आपकी मम्मी नहीं बनना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हंसते रहो तो मुस्कुराते रहो, तो अच्छी अच्छी बातें करो, तो दुनियादारी करो, जो करना है करो, बट अपने हेल्थ को लेके कभी भी कोई भी गलत काम तो कतई ना करो। लेकिन एक काम करो, ये शो तो सुन ही रहे हो, साथ में गाने भी सुन लो, ठीक है ना? ठीक है, हाँ अब हुई ना अच्छी वाली बात। चलो अच्छा, गाने वाने एंजॉय करो, मैं बस अभी आती हूँ। सो डिंपल के साथ है यहाँ पे ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान ऑफ एच एफ लाइव एंड स्टे ट्यून्ड। I'm not afraid to die.
About the past.
fast. Step on the gas and play. Find yourself a brand new day. डिम्पल है आपके साथ इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। भाई जैसे कि पुराने गानों को नया बना दिया जाता है बस थोड़ा सा म्यूजिक इधर उधर करके, वैसे ही आप भी अपने रुखे रुखे बालों को जो कि बदलते मौसम के साथ में एकदम झड़ने की कगार पे हैं, झाड़ू तो बन ही चुके हैं साथ में हो सकता है एकदम बचे खुचे कुचे पुचे बाल हो जाए आपके, तो आपके उन प्यारे से पुराने बालों को अब सदाबहार तरीके से एकदम नए नए रखना चाहते हैं ना, चाहते हैं ना, तो बस आंखें बंद करिए, कान खोल लीजिए और एकदम ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। उन बालों को एकदम अच्छा हरा भरा और सिल्की सिल्की और एकदम घना घना बनाने के लिए कुछ मत करो यार, कोई बाहरी प्रोडक्ट्स पे अब भरोसा करने की जरूरत नहीं है। घर में, हाँ आपकी घर में ये चीजें होती हैं। अब सीधी सी चीज है, दही उठा लो, उसमें आधा चम्मच नींबू निचोड़ दो और बस आधा चम्मच उसमें शहद मिला के जो फेटो फट 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 फट, और बहुत सारा उसे मिलाने के बाद में बस आधा घंटे के लिए अपने जो है बालों में समेट के लगा लो। लो जी, जब आधे घंटे के बाद आप उसे धुलेंगे, नॉर्मल सा शैम्पू लगाएंगे और बस, और शैम्पू के बाद कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आपके बाल ना हफ्ते में ऐसा दो बार करने के बाद या फिर महीने में आप कम से कम चार बार ये तरीका अपनाएंगे ना, तो बस सिंपल से आपके अच्छे से बाल बढ़िया सुंदर सुंदर हो जाएंगे। और चलो अगर आप दही वही भी नहीं लगाना चाहते हो, आपको लगता है कि आपको जुकाम हो जाएगा, तो एक और तरीका है मेरे पास। रात में आप कोई भी अपना हेयर ऑयल लीजिए, उसे गुनगुना करके गर्म करिए और उसे हल्के हाथों से मसाज दीजिए, मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लीजिए। अच्छा ये भी नहीं करना, बाल झड़ रहे हैं ना, एक काम करो प्याज लेके आओ मार्केट से, उसे अच्छे से पीसो, ठीक है, अब उसे छलनी में लेके छान लो और उसके सारे गूदे को निकाल के बाहर कर दो, जितना रसा निकाला है ना अपना रसा, मैं तो रसा ही बोलती हूँ, मुझे ना मम्मी बहुत डांटती, मुझे मम्मी कहती है कि रसा क्या होता है, रस नहीं बोल पाती हो, तो मैं जो रस होता है ना रस, हाँ बिल्कुल, बालों में जो है उसे जहां पे भी बाल नहीं है या फिर अपने बालों की जड़ों पे लगा लीजिए, और आधे घंटे के बाद बालों को अच्छे से लपेटने के बाद हाँ शैम्पू कर लीजिए अच्छे से, कंडीशनर कर लीजिए, और बालों में अगर स्मेल आए तो आप बालों को धुलने के बाद में हल्के गीले बालों पर शहद का लेप लगाकर फिर से बाल वॉश कर लीजिए। इससे ना आपके बाल नए आने लग जाएंगे, मतलब आपकी जो सर में खेती है ना उसमें नई फसल आनी शुरू हो जाएगी। डिम्पल के साथ है आप इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, स्टे ट्यून्ड।
देखो हंसते गाते और गाने को अच्छे से सुनते सुनते देखो कितनी जल्दी टाइम निकल गया ना। अब देख ही रहे हो तो थोड़ा इधर भी सुन लो। डिंपल है आपके साथ इन ऑल इज वेल ऑन रेडियो उड़ान। और देखो ना टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, और ये टाइम है ना ना आपके लिए रुकता है ना मेरे लिए रुकता है। और अगर ये नहीं रुकता है तो क्यों ना इसके साथ में कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, है ना। कभी कभी अच्छी बातें कर लेती हूँ मैं वैसे। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको मेरे से शेयर करना चाहिए, फेसबुक पे जाओ, एकदम डिंपल शुकर्मा के नाम की प्रोफाइल है मेरी, या फिर आरजी डिंपल नाम का मेरा पेज है, आप वहाँ पे सारी बातें बता सकते हैं। मैं आराम से सुनूंगी, प्यार से सुनूंगी। और हाँ, थोड़ा फ्लर्टिंग कम किया करो आप लोग, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं रो दूंगी। फिलहाल तो मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि अब एक घंटे के लिए आती हूँ, और देखो हफ्ते में एक ही बार आती हूँ, तो अब ये हफ्ते भर की जुदाई तो सहनी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसे रो धो के नहीं, प्यार से जाऊंगी ताकि फिर से दोबारा से ना प्यार से वापस आऊं। तो बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही सुनते रहिए रेडियो उड़ान, क्योंकि भाई जिंदगी में उड़ान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हाँ, कीप स्माइलिंग विद जोन बिशाय। डिंपल हूं मैं, एंड आई एम सेइंग टू यू टेक केयर, लव यू एंड टाटा बाय बाय। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
इस कदर तू मुझे प्यार कर जिसे कभी ना मैं सकूं फिर भुला जिंदगी दरख्वास्त है ये जो आई रात है ये तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे जो अब लम्हात है ये बड़े ही खास है ये तू मेरी बड़े ही खास
दुनिया